जनपद मुख्यालय पर जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ साथ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में हमने सबसे चर्चा की है। पूरे जनपद में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, बिजली की अबाध आपूर्ति मिले, स्कूलों में बच्चे समय से पहुंचे, सभी शिक्षक समय से पहुंचे, उनको मध्याह्न भोजन गुणवत्ता परक मिले। कोविड काल के दौरान जो हमारे बड़े बच्चे हैं, जो अनुमन्य है टीकाकरण के लिए, उनको तत्काल कोविड की वैक्सीन लगाई जाए। इसके साथ ही साथ सभी अस्पतालों में मरीजों के लिए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, शुद्ध पेयजल, मरीजों के साथ डॉक्टर अच्छा व्यवहार करें, पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा सभी चिकित्सक जो जिनकी ड्यूटी अस्पतालों में है उनके ड्यूटी चार्ट लगाए जाएं, उनका नाम लिखा जाए, उनका ड्यूटी के आवर्स लिखे जाएं, समय लिखा जाए। इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर परमानेंट उपस्थित रहें, कहीं किसी मरीज को दिक्कत न हो, दवाइयां उन्हें समय से मिलें। जिले में जितने भी टीबी मरीज हैं, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने कहा है कि सभी मरीजों को हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी गोद ले लें। गोद लेने का मतलब उन्हें चिन्हित करें और चिन्हित करके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन में भेजें। 2025 तक हम टीबी को समाप्त करेंगे, किसी भी स्थिति में टीबी को हम उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे, ये सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो, मरीज को हमारे अस्पतालों में भगवान की तरह माना जाए, किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे जच्चा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उनको माँ के साथ कम से कम 48 घंटे अस्पताल में ही रखा जाए। और इसलिए रखा जाए कि 48 घंटे के अंदर जो नवजात शिशु है उसके जितने भी टीके लगने हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होना है, उसे देने के बाद ही अस्पताल परिसर से उसे जाने के लिए कहा जाए। और अगर 2 दिन के बाद भी वो रुकना चाहते हैं तो जब तक उनकी तबीयत अच्छी नहीं हो जाती है तब तक उनको अस्पताल में रोका जाए, ऐसा हमने सभी अपने चिकित्सकों से, संबंधित अधिकारियों से कहा है। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के अपने जनपद गोंडा को एक उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था, उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, उच्च स्तरीय रहन सहन लायक, और लोगों को महसूस हो कि उनके जीवन में एक ऐसी सरकार आई है जो सबके हित के लिए काम कर रही है। ये सरकार गरीबों के लिए, वंचितों के लिए लगातार काम कर रही है और सबकी सुरक्षा का दायित्व हमारी सरकार का है। मुख्यमंत्री जी, 100 दिन की कार्ययोजना सरकार ने बनाई है, आज 1 महीना पूरा हुआ है जी। क्या कुछ हुआ है और अगले 100 दिन में क्या? अभी हम लोगों ने सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखा है और कार्ययोजना बन गई है और शीघ्र ही पूरी कार्ययोजना के साथ हम आपके साथ समक्ष बैठेंगे। लेकिन ये तय है, ये गरीबों की सरकार है, वंचितों की सरकार है और सरकार सबको साथ लेकर के चल रही है। हमारी प्राथमिकताएं में जो भी सूची है हमने आपके समक्ष बताया है। हमारा मानना है कि वास्तव में ये आम जनता की सरकार है और हम सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी भी स्थिति में किसी भी विभाग के संबंध में किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी हम सबकी है।